किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा हेल्दी नाश्ता जो झटपट बन जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप पोहा या फिर उपमा वगैरह खा के बोर हो चुके हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप बेसन और बेसन को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें लम्स न पड़े। तो इस तरह बेसन को हमें छान लेना है और उसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा और उसे भी हम इसके साथ छान लेंगे। अब इसमें ही हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, यह 1/2 टीस्पून। उसी के साथ बिल्कुल 1 पिंच हल्दी और हमें एक बार इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमें इसमें दही डालना है, तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच दही लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और उसी के साथ इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बनाना है। तो इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमें पानी ऐड करते जाना है और हम जैसे डोसा बैटर बनाते हैं सेम उसी तरह इसका बैटर बनाना है। इस तरह मैंने इसका बैटर बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इतना बैटर बनाने के लिए मुझे 1/2 कप और ऊपर से 2 बड़े चम्मच पानी लगा है। तो आप आपके हिसाब से इसमें पानी ऐड करना और इसे अभी हम 5 मिनट के लिए इसी तरह अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जो चावल का आटा हमने इसमें डाला है उसकी वजह से हमारे डोसे क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ मैंने डोसा पैन गरम करने के लिए रख दिया था, तो पैन हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इस पे डालेंगे ऑयल और ऑयल को हमें स्प्रेड कर लेना है। अब हमें इस पे थोड़ा सा अच्छे से पोंछ लेना है। अब इसी में हम डोसा बैटर डालेंगे, तो बैटर को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना और फिर इस तरह इस पे पोर कर देना है। उसके बाद इसे धीरे धीरे स्प्रेड कर लेना है। इस पे हमें ऊपर से डालना है लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा कटा प्याज, कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया और हमें इस पे थोड़ा सा पनीर ग्रेट करना है इस तरह। आप इसकी जगह, अब अगर आपको चीज पसंद है तो आप इसकी जगह चीज भी डाल सकते हो। और अब साइड से हमें थोड़ा थोड़ा बटर छोड़ना है, थोड़ा सा बटर हम ऊपर भी डालेंगे। अब हमें इसे फोल्ड करना है, तो इस तरह देखिए आपको ये आसानी से निकल रहा है और हमें इस तरह इसे फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हो कितना इसका कलर प्यारा आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरे डोसे भी बना लेंगे। तो इस तरह हमारा इंस्टेंट डोसा बन के रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसे लगी। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।